बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो कैसे हो आप? अभी व्लॉग का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सैरी का मैंने व्लॉग पोस्ट कर दिया था सुबह ही, और अभी ये रमज़ान का फर्स्ट डे है। और मतलब कि सैरी करने के बाद और नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद पढ़ने के बाद और सो गया था। और अभी मैं उठ गया था, तकरीबन 2:30-3 बजे उठ गया था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो अभी जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि काम पर जाऊँ ना जाऊँ, फिर सोचता हूँ कि यार आज है संडे का दिन, तो मैंने सोचा था कि सुबह सैरी करने के बाद ही काम पे निकल जाऊँगा 7 बजे तक, और 7 बजे काम पे जाने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा 10-11 बजे, और फिर आके सो जाऊँगा। फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह या वीडियो शीडियो देखनी हो तो वो देख लेंगे। तो फिर उसके बाद असर के बाद फिर जो घर के काम शाम हुए थोड़े बहुत वो करके, फिर इफ्तारी करके, फिर एडिटिंग करके, पोस्ट करके, और जो अगले व्लॉग की प्लानिंग है वो मतलब कि उसके बाद करेंगे इफ्तारी के बाद। और उसके बाद तरावी भी पढ़नी होती है, तो 10 बजे तक ये मतलब कि सारा डन हो जाता है। तो उसके बाद 10 बजे के बाद एडिटिंग वगैरह करके, पोस्ट करके, और फिर सो जाएंगे। लेकिन आज है संडे का दिन, तो आज मैं नहीं गया काम पे, और अभी मैं घर में ही हूँ। इधर लीजिए तो अपनी अपनी धुन में मस्त है, कभी जंपिंग करके उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। हाँ, रोजा लग रहा है लीजिए को? हाँ, कहाँ लग रहा है? प्याली में लग रहा है। मजा आ रहा है रोजे? मजा आ रहा है? बच्चों को तो यही लगता है कि यार उनका रोजा है, लेकिन जब हम भी छोटे थे ना, हमसे भी कोई पूछता था कि कहाँ में रखा है रोजा, हम भी कंफ्यूज रहते थे कहाँ पे रोजा रखा है, पेट में तो नहीं रख सकते, पेट में तो खाना होता है, रोजा थोड़ी होगा। तो यार ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे हमारे से भी बड़े जो है ना, तो हमें पता नहीं चलता था क्या जवाब देना है इसका। गाइस कल से जो है ना इंशाल्लाह काम पे जाऊंगा, और काम पे भी व्लॉग बनाऊंगा। तो अलीजी देखो मारी जा रही है पीछे से, ओए 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 ओए, गिरना जाएगी, ओए गिर गया। हां कि कल से ओ फिर आ गया, ओए ओए ओए, ध्यान से ध्यान, ओए ओए गिर जाएंगे गिर जाएंगे, ओए गिरा दिया इसने मुझे। जान जान के कर रही है, मैं थोड़ी सी ज्यादा एक्टिंग कर रहा हूं इस वजह से। बस 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 लीजिए, बस 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 लीजिए। दादो डांट रही है, दादो कह रही है, दादो कह रही क्या कर रहे हो? जा जा दादा अब्बू को फोन देकर लीजिए, जा जा दादा अब्बू को फोन देकर, जा 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 भागे, जा भागे, जा भागे, देख के देख के देख के देख के, शाबाश। अच्छा दिखा देना, आज आपको रोज है? Yes. माशाल्लाह, और सैन का भी है? Yes. चलो गुड हो गया। कैसा गुजरा रोजा आज का? अभी तो थोड़ा सा टाइम रह गया। बहुत अच्छा, सोई रही मैं। आज सोई रही हो? हाँ। अच्छा, नहीं सोई नहीं रही मैं, सुबह उठी थी, उठा चली थी, सैरी चल रही थी, उससे मैंने मास्क पहन ली, फिर मैं सो रही थी। मम्मा डैडी मैं थोड़ा सा मम्मा तो बुबा यूज करते, मैं सो रही, फिर मैं उठी, फिर मैंने जो है ना फिर से मैं सो गई थोड़ा। अच्छा तो अभी आज क्या खाना, समोसे खाने हैं, क्या खाओगी? मैं आलू के समोसे खाऊंगी आज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो लीजिए आप क्या खाओगी इफ्तारी में? मैं जो हूँ अंडा दही, अंडा दही, मैं शोभी मिर्ची खाऊंगी, तजूरी खाऊंगी। लग रहा नमाज वगैरह पढ़ी है? चलो अभी असर की भी नमाज इंशाल्लाह पढ़ेगी फातिमा, और उसके बाद कुछ समोसे वगैरह खाएगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोजा है। आप इन्हें रोजे रखो दे? हाँ इंशाल्लाह सारे, इंशाल्लाह सारे, इंशाल्लाह। क्या शाबाश, अभी कहाँ जा रही है तू? हाँ अबे अभी कितने जा रही है, स्कूल आज इतवार है, छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। अभी चाची जाने के बच्चे ने तो साथ में वो ना समोसे लेते हैं। खा रही थी अभी आप? आलू खा रही थी। गाइस अभी आलू खा रही थी, और मैंने उसे कहा कि अभी ना खाओ आलू, अभी तो सारी भी नहीं हुई है। तो जैसे मैंने उसे कहा इसने आलू छोड़ दिया, कहती मैंने नहीं खाना। अब नहीं खा रही आप आलू? क्यों, अब सारी नहीं हुई इसलिए हैं? अब सारी नहीं हुई इसलिए? बैग भारी तो नहीं है? इतना भारी बैग उठा के फिर गया, चिड़िया उधर रखा था आज आपने, किधर रखा था? चलो कहो अभी चाचू जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं आपको। अभी चाचू जा रहे हैं, पैर में मिल जाते। इधर आओ, इधर आओ, मैं आपको देता हूँ पानी। अलीजे को लग गया प्यास,
चलो 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 खबड़े होके रखेगी इंशाल्लाह, है ना। ताला भी नहीं आपके लिए, पहले मजा आ रहा है आपको, प्यास लग रही है, गर्म पानी भी हो गई। अच्छा ये लो जी, लीजे को देते हैं पानी, लीजे को लगी है प्यास, गर्मी तो नहीं लग रही। अभी लो वो कुर्सी आपकी। वेरी गुड। तो फातिमा ने माशाल्लाह नमाज पढ़ ली है, तो अल्लाह ताला इसके नमाज को कबूल फरमाए। और क्या कहना चाहोगी आप? तो 2:30 बजे उठ गए थे। अच्छा हम 2 बजे उठा रहे थे। हम 4 बजे उठे हैं, 4 बजे मैं उठाऊं और लेट हो गया था। 2 बजे उठा रहे थे। नहीं हम तो 2:30 बजे उठ गए थे। 2:30 बजे उठे तो पता चला जी रोजा तो बंद होने हैं 4:20 पे। मैं 2 बजे उठ गई, मैं 3:15 बजे तक लेटी थी, फिर 3:30 बजे उठ के मैंने शुरू किया, फिर उठाया सैम का भी रोजा खाना भी मेरा। मतलब कि तुमने पहले ही सारी कर ली थी टाइम से पहले ही। हाँ। हम लेट हो गए थोड़ा सा, पहले आज हम जल्दी इंशाल्लाह उठ जाएंगे। मैं अब 2 बजे उठूंगी, 2 बजे उठा था जूटी मास पढ़ते, मैं नहाऊंगी सबसे पहले, फिर मैं डांस आउट करूंगी, इसलिए रोजे ने फिर डांस आउट नहीं करते ना, फिर डांस आउट करते मैं जो डांस पढ़ लूँगी, फिर मैं सैरी तल लूँगी, फिर मास पढ़ूँगी चुनान पढ़ूँगी, फिर अपने सतूर की तैयारी होंगी, फिर सतूर जाऊँगी, फिर आऊँगी सतूर से 8 बजे, 8 बजे आता जो हूँ मैं तपे चेंट होंगी और मास तपे चेंट होंगी मैं नमाज पढ़ूंगी इंशाल्लाह जोरती, और मैं फायर पढ़ने जाऊँगी, फायर पढ़कर आता जो हूँ मैं थोड़ी सी ट्यूशन की तैयारी कर लूँगी, ट्यूशन से जाऊँगी, आऊँगी तो रोज़ा खोलना है बस। वेरी गुड वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो अच्छा ये मामू मुझे अभी मास्क पहनने दे रहे हैं, वापसी में समोसे भी ले आएंगे, और मामू मेरे पास मोबाइल छोड़ दिए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। मोबाइल छोड़ के नहीं गया मैं, अभी इधर ही हूँ, मोबाइल साथ ही लेके जाऊंगा, मोबाइल साथ ही लेके जाऊंगा। अच्छा व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था, चलो गुड है गुड है। तो अभी चलते हैं समोसे लेने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए और समोसे लेने के लिए, टाइम थोड़ा रह गया। भाई सुबह भी मैं लेट हो गया था और अभी भी मैं लेट हो गया हूँ, नमाज तो हो चुकी थी, सब बाहर निकल रहे थे और मैं मतलब एंड पे पहुँचा हूँ जब नमाज हो गई थी। और ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यार ये स्पीकर का कारी साहब ने कहा था कि स्पीकर का सही काम नहीं करे, तो अभी माशाल्लाह किसी ने ना ये स्पीकर लगवाए हैं काफ़ी ज़्यादा, 1, 2, 3 उसके बाद ये और भी हैं, ये सारे स्पीकर जो है ना मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह लग गए हैं, क्योंकि तरावियाँ होती हैं ना क्लियर वॉइस आनी चाहिए। ये देखो सारे स्पीकर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने लगवाए हैं, अल्लाह पाक उनको इसका अजर अजीम अता करे, आमीन। तो अभी भाई मैं निकल आया हूँ समोसे और पकौड़ियाँ लेने जाने के लिए, टाइम थोड़ा सा ही रह गया है, यहाँ पे तो सड़क बिल्कुल साफ़ है लेकिन आगे थोड़ी सी ट्रैफिक हो सकती है, तो अभी बस मैं रास्ते में ही हूँ और काफ़ी मतलब कि ग्रीनरी है माशाल्लाह यहाँ पे। गाइस अभी समोसे वाली शॉप पे आ गई लेकिन बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत रश लगा है, टाइम थोड़ा रह गया है, समोसे ले लिए और छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा मिल गई हैं, तो अभी चलते हैं जल्दी से घर। जी सूरज बस ग्रूप होने ही वाला है, वो देखो ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा हो गई, लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं, तेज़ तेज़ बाइक चला के गाड़ियाँ चला के, वो देखो अभी समोसे शमोसे ले लिए हैं और पकौड़ियाँ बस लेनी हैं, बस मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ। उन्होंने घर वाले ने चाट भी बनानी थी पकौड़ियों के साथ, सिस्टर की पकौड़ियाँ थी, घर वालों ने तो अपनी बना ली होगी चाट, तो अभी मैं बस जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। और ग्रीनरी और बहुत प्यारा मतलब कि यहाँ का सीन है, साइडों पे दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, यहाँ पे हमारे ना घर के पास ही है ये, थोड़ा सा 2.5 किलोमीटर का सफ़र है जहाँ से मैं पकौड़े समोसे लेने आया था, तो अभी सबको जल्दी जल्दी है ताकि इफ्तारी करें जाके घर। घर वालों ने कहा था कि आते मेरा फलियाँ भी लेते हुए आना है, यहाँ से उसको सैन को भेजा था तो मिली नहीं थी, तो अभी यहाँ से फलियाँ भी लेनी है, फलियाँ लेके बस घर चलते हैं। फलियों की लाहौर में 2 किस्में होती हैं, एक गोल वाली होती हैं और एक लंबी वाली, हमने गोल वाली ली है। फलियाँ भी लेनी है और अफ्तारी का टाइम हो गया मेरे ख्याल से, उन्होंने चाट बनानी थी और इसको पानी में रखना पड़ता है पहले, तो जल्दी जल्दी चलते हैं घर। लो जी मैं सोदा लेके आ गया हूँ, फलियाँ लेके आ गया हूँ, और फलियाँ जल्दी, आपको फलियाँ अभी चाहिए थी, मतलब अभी चाट बनानी है? अच्छा लेट हो गए ना फलियाँ लाते हुए, चलो कोई बात नहीं, समोसे तो आ गए ना, क्यों कैमरा तो नीचे करो, कैमरा थोड़ा नीचे करो, इतनी लेट आए हो आप, समोसे लेट आए हो। तो आपको पता है रश होता है ना ट्रैफिक वगैरह, वहाँ पे भी रश लगा था समोसे वाली शॉप पे। फातिमा ने भी व्लॉगिंग बनाना शुरू कर दिया बाबा जी। फातिमा आपकी चैनल क्या है? फातिमा 12 नहीं 11 फातिमा 11 11 किसमें लिखना है, गिनतों में, गिनतियों में? हाँ, वन मानी यानी के कैमरा नीचे करो। अच्छा ठीक है,
तो अभी इन्होंने एसी भी लगा लिया है इफ्तारी के लिए। और हुसैन आपके रोजे जी कैसे गुजरात का रोजा आपका? अब तो इफ्तारी होने वाली है, आधा घंटा रह गया। ये भी वीडियो बना रही है, हम दोनों वीडियो बना रहे हैं। अच्छा उसमें भी कैमरा ऑन कर लिया। चलो सही, आप चले जल्दी ऊपर। आप दो दफा गए थे खान चौक पैदल? दस दफा गया था। दस दफा? दस दफा गया था खान चौक, मतलब पकौड़ियाँ नहीं मिली वहाँ से आपको? नहीं, फिर मैं प्याज वो सब्जी लेने गया, फिर मैं उधर गया एरियल लेने गया, फिर बाद में की पेंसिलें लेने गया। पैदल गए थे? पैदल ही गया। अच्छा साइकिल पे गए थे, चलो सही है। अभी गेम खेल रहे हो, अल्लाह का नाम लो, दुआ मांगो, अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। सो गाइस लीजे की तो इफ्तारी स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। और मामा को जो है ना, मामा का भी आज फर्स्ट रोजा था। मामा कैसा गुजरा आपका रोजा? बहुत अच्छा गुजरा। अभी तो रोजा खुला ही नहीं, खुल गया टीवी पे तो खुल गया, लेकिन अजान की आवाज नहीं आई। अभी खुल गया मामा? खुल गया लाहौर का? खुल गया, खुल गया जी, खुल गया। तो अभी रोजा खोलते हैं। ये है मेरी मामा के हाथ की चाट, जो कि साल बाद हम भी बनाती हैं रमजान के महीने में। तो अभी खाते हैं और चेक करते हैं। अमेजिंग। तो जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई है और अम्मी देख रहे हैं यहाँ पे जीतो पाकिस्तान। और हम हर रमजान को जीतो पाकिस्तान जाना इफ्तारी के बाद देखते हैं। तो इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और अब तकरीबन बल्कि 8 बजे का टाइम हो गया है। और अभी मैं बस यहीं पे व्लॉग का एंड कर रहा हूँ और अभी आपको मिलूंगा इंशाल्लाह इफ्तारी पे। बस थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी है, एडिटिंग करके पोस्ट करनी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा आज का, मतलब कि घर में रहा और सोता रहा था, काम पे नहीं गया। और रोज़ा जो है ना माशाल्लाह से सही गुजर गया और इतना रोज़ा लगा भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला दिन रमज़ान का दिन था ना, थोड़ा सा वीडियो मतलब व्लॉग में थोड़ा सा शॉर्ट भी बना है और इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो इम्प्रूव होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना कंटेंट लेके आऊँगा, तो आपको मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह वीडियो में। तो अभी आज थोड़ा पहला दिन था, इस वजह से थोड़ा व्लॉग जो है ना सिंपल सा बना है। कल इंशाल्लाह इसमें कंटेंट लेके आऊँगा और अच्छा सा व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह। अभी यहीं पर व्लॉग का करते हैं एंड, तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, नहीं हो तो वीडियो को लाइक, नहीं नहीं अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आई तो फिर भी लाइक करने की कोशिश करो और सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, अगर पुराने हो तो वीडियो को शेयर भी करो और लाइक भी करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।